फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा के लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, तो वैसे ही आज मैं एक वीडियो और लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो आई होप आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स, हमेशा की तरह। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो वीडियो आपके लिए कंटेंट लेकर के आया हूँ वो UMT के अपडेट के बारे में कंटेंट मैं लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। जो UMT का जो अपडेट है, UMT का MediaTek का जो अपडेट है, अल्टीमेट MT के जो अपडेट है, मैं उसके बारे में अपडेट आपको देने वाला हूँ। और कैसे उसको इंस्टॉल करना है और कैसे आपको एक सेटअप को दिक्कत भी आती है डाउनलोड करने के लिए, तो भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, से हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सेटअप जो UMT का आप हमेशा देखिएगा, तो UMT का एक सपोर्ट SS डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको क्या होगा, जो भी नया होगा, जो भी अपडेट होगा फ्रेंड्स, वो आपको हमेशा करंट में मिल जाएगा। आपको और कहीं भी साइट में जाने के लिए जरूरत नहीं है। मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ UMT सपोर्ट के ऊपर, जिसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकती है, वह सारी चीज अपडेट आपको बताऊंगा ये UMT सपोर्ट के बारे में। पर फिलहाल आपको UMT सपोर्ट मैं आपको अभी केवल ये बताना चाहता हूँ कि आप सेटअप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेटअप को डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे ये देखिए, मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट में आप जाएंगे तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे सेटअप एक टूल, मतलब ये जो UMT का अल्टीमेट सपोर्ट SS है, ये बहुत ही, इसमें केवल बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। कमेंट करके आप जरूर बताइए, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसमें फुल डिटेल, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, इस सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या बेनिफिट्स है आपको, तो मैं उस सारा अपडेट आपको देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अल्टीमेट, यहाँ पे MMC के लिए QC5, GSM और हमारा अल्टीमेट MT के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्या पता आपको साइड में मिले या ना मिले, मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है मिलेगा, पर आपको बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गूगल में नहीं जाना पड़ेगा, क्रोम में जाना पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ेगी। आप इसको डबल क्लिक करेंगे और ये आपका इजिली डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे गूगल ड्राइव और मेगा से भी आप यहाँ पे जा सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ पर जो अपडेट आया 3.9 का, मैं अपडेट दे रहा हूँ यहाँ पे। तो और इसके बाद फ्रेंड, आप जैसे इसको क्लिक कर देंगे डबल क्लिक, तो ये बहुत ही फास्ट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा डाउनलोड कंप्लीटली हो चुका है। तो हम इसके लोकेशन पे जाएंगे, तो हम यहाँ पे सारा तो देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारा ये अल्टीमेट MT के 3.9 ये डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसे कर देते हैं फटाक से इंस्टॉल। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने लाइव ही बना रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर, किसी को दिक्कत भी होता है तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। तो मैं SS का सपोर्ट, SS का एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर फ्रेंड्स आपके लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ये सारा चीज इंस्टॉल करके और कैसे इसको यूज करते हैं, यूज तो मैंने बताया हुआ है काफी टाइम से, बट मैं यहाँ पे अपडेट के बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूंगा। तो ये हमारा फाइनली इंस्टॉल हो रहा है। सबसे पहले आपको डाउनलोड कैसे करना है मैंने ये भी बता दिया आपको। आप गूगल पे भी लिख सकते हैं, आप UMT GSM भी लिख सकते हैं, तो भी आपको मिल जाएगा फ्रेंड। आप यहाँ पे गूगल में जाएंगे और UMT GSM लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। फिलहाल मैं इसको फाइनल को यहाँ पे आपको सारा चीज यहाँ पे सेटअप को हम इंस्टॉल कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्या चीज होता है फ्रेंड्स, फिल्टर है, ड्राइवर फिल्टर। इसमें आपके PC में अगर कोई ड्राइवर प्रॉब्लम है, अगर कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ से जाकर के बहुत ही इजीली तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं है तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। बट अगर आप में लगता है कोई PC में ड्राइवर का इशू है, तो आप यहाँ से जाकर के प्रॉपरली तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हम इसने उनको कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट और यहाँ पे कर देंगे हम फिनिश। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस था फ्रेंड, हम इसे डाउनलोड कैसे करते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद जो हमारा प्रोसेस था, वो हम कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, तो सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको बताई हुई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा जरूर। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले हमारे चैनल को। तो चलिए, जो इसमें अपडेट है, आपने देखा होगा कई सारी चीजें कि किसी भी साइट को उठा करके, किसी भी पेजेस को उठा करके आपको अपडेट के बारे में बता दिया जाता है। बट मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको लाइव बताऊंगा कि इसमें आपको क्या अपडेट है क्या नहीं है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे खुद पर्सनली करके दिखाऊंगा। तो चलिए, ये देखिए अल्टीमेट हमारा है, तो हम इसे खोल लेते हैं, इसे कर लेते हैं यस। तो बस जैसे ही खुल जाता है, मैं आपको उसके बारे में अपडेट क्या नया है मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बट फ्रेंड्स, आप हमारे ऐसे ही कई सारे वीडियो हैं जो FRP बाईपास के ऊपर हैं, कई सारे ऐसे वीडियो हैं
हमारे चैनल में कि आप वहां से जा करके सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। तो चलिए, आपको सबसे बड़ा जो है जो Redmi 6A की मैं बात करूं, जो MediaTek से रिलेटेड होता है CPU, तो जो हमारा Redmi 6A और Redmi 8 Pro जो हो रहा है वो MediaTek CPU है, क्योंकि ये जो हमारा अल्टीमेट MTK है ये हमारा MediaTek CPU को सपोर्ट करता है, चाहे जो भी फोन हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो अपडेट है, जो आप 6A को आप पोर्ट को स्टेबल करते थे, जैसा कि मैंने वीडियो बनाया भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और हमारे 6A को बिना डोंगल के आप उसकी MI काउंट और FRP रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इसके अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैशिंग का जो ये टैब है, यहाँ पे फ्लैशर का टैब है। इसमें टैब में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसका नया टैब है वो है इसका डिसेबल ऑथ। आप इसे डिसेबल ऑथ, चाहे वो 6A का हो चाहे वो 8 प्रो का हो, Redmi Note 8 Pro का हो, तो आप यहाँ पे इसको डिसेबल करने के बाद आप इसमें MI काउंट और इसके FRP बहुत ही इजीली तरीके से रिमूव कर सकते हैं। जो कि इसका ये अपडेट है, ये 3.8 से आया हुआ है अपडेट। मैं आपको बता दूं, मैंने 3.8 का वीडियो नहीं बनाया, रिसेंटली ये 3.9 भी आ गया है, तो मैंने सोचा 3.9 पे एक वीडियो बना दिया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले जो करना है फोन को, आपको यहाँ पे डिसेबल ऑथ करना है, मतलब आपको डिसेबल ऑथ। तो फ्रेंड, उसके बाद जैसे ही आपने आया यहाँ पे, जैसे आपने इसको डिसेबल आउट कर दिया है, उसके बाद हमें टूल एंड FRP में आना है। टूल एंड FRP में आने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं MI अकाउंट रिसेट का एक ऑप्शन आ गया है, जो कि 3.8 से आया था। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा, ये जो आया है 3.8 से आया है, पर ये अब 3.9 अभी आगे अपडेट होता रहेगा। तो मैं ऐसे अपडेट होता रहेगा तो मैं यहाँ पे आपको काफी सारे अपडेट ऐसे देता रहूंगा फ्रेंड्स, और सारी चीजें यहाँ पे विदाउट डाटा लॉस मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ 91 के ऊपर। और उसके बाद आप यहां पे जाकर के सीधा MI अकाउंट रिसेट कर सकते हैं, चाहे वो आपका Redmi Note 8 हो, Note 8 Pro हो, चाहे वो 6A हो, आप उसकी बहुत ही इजी तरीके से आप यहां से MI अकाउंट रिमूव कर सकते हैं और FRP भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं, तो आपको पता ही है कि आप यहां पे, और दूसरी चीज जो सबसे बड़ा अपडेट है कि यहां पे UFS चिप को भी सपोर्ट किया गया है। यहां पे MMC तो सपोर्ट था ही, और यहां पे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि UFS को भी सपोर्ट किया गया है। तो मैं प्रॉपर वीडियो एक अपडेट और बताना चाहूंगा कि नीचे आप देख रहे हैं स्टैक OFP फाइल भी स्टैक है, तो मैं इसके बारे में भी एक अपडेट आपको फुल वीडियो प्रैक्टिकल देने वाला हूं। तो ऐसे ही हमारे कमेंट में बने रहे, तो मैं ये OFP पे भी एक अपडेट देने वाला हूं फ्रेंड्स, कि OFP फाइल को ये स्टैक होता है कि काम करता है कि नहीं करता है, वो सारा चीज मैं यहाँ पे आपको फ्रेंड्स विद प्रैक्टिकल दूंगा, जिसमें आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा जो अपडेट था मेन, ये UFS चिप को भी सपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद जो हमारा जो मेन था मोटिव ये था हमारा MI अकाउंट, चाहे वो 6A हो चाहे वो Note 8 Pro हो, तो आप यहाँ से इजिली तरीके से MI अकाउंट और FRP आप रिमूव कर सकते हैं। दूसरा कि ये स्टैक आप OFP फाइल को भी स्टैक कर सकते हैं, अगर वो कॉलकॉम होगा तो firs.mn में आ जाएगा, अगर MediaTek होगा तो वो स्कैटर में आ जाएगा। तो सारी चीजें हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। अगर आई होप ये हमको ये जानकारी अगर आपको मिली, अगर अच्छी लगी, कि पहला हमने बताया है कि ये टूल आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सेकंड हमने बताया इंस्टॉलेशन, थर्ड हमने बताया इनके अपडेट के बारे में, फोर्थ हमने बताया MI अकाउंट के बारे में, फाइव हमने बताया ओ स्टैक OFP के बारे में। तो ये सारी डिटेल अगर आपको अच्छी लगी हो इस टूल की, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे आप चैनल में बने रहे, और आपने हमारे चैनल को स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नया नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।